काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र से पहले प्रदेश में कैबिनेट विस्तार कर चर्चा तेज होला ही है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी मोहन सरकार के पहल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकत है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कांग्रेस के बागिन का बड़ा तोहफा दे वाली है। इन नेता का कैबिनेट में जगह मिल सकत ही। मुंदी क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूछा अपना 25 बजरंग का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार का लेकर चर्चा जोर शोर से जारी है। ऐसा ने ऐसे कहा से कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी विधायक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के दम थामा गया रहा और एक अलग ऐसा माना जा रहा है कि मोहन सरकार अपने कैबिनेट विस्तार मोहन का जगह दे सका थी। एक साथ ही कलिया को नामों को लेकर चर्चा है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा लगातार दिल्ली आ रहे हैं और एक पीछे की वजह कैबिनेट विस्तार का माना जा रहा है। ऐसा नहीं से कहा से कि लोकसभा चुनाव के समय प्रदेश के अमरवाड़ा और बिना विधानसभा सीट से विधायक का कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के दम थाप गया, लेकिन अब तक दोनों विधायक द्वारा इस्तीफा नहीं दीनगा। एक पीछे मंत्रिमंडल विस्तार वजह होने जा रहा है। दरअसल एक बार फिर से मोहन कैबिनेट के विस्तार की अटकल तेज हो चुकी है। अमरवाड़ा उपचुनाव जो उनके 10 जुलाई को होने वाला है, संभावना ही जताई जा रही कि उपचुनाव के बाद कैबिनेट के विस्तार कब हो सके थे। बता दी कि फिलहाल मोहन कैबिनेट पर 4 जगह खाली हैं, मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट पर 30 विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक अगला कैबिनेट विस्तार अगर भारत मध्य प्रदेश मंत्री की संख्या 34 तक हो सकती थी। खास बात यह है कि अगले विस्तार में 4 लोगों का कैबिनेट में एडजस्ट करने की संभावना है, जिनमें कांग्रेस से बीजेपी में आए दो चेहरा का जगह मिल सका थी। इनमें रामनिवास रावत और कमलेश शाह ये दो चेहरा मोहन कैबिनेट का शामिल करने की संभावना जो उन्हें जताई जा रही। दोनों चेहरा की तरह कांग्रेस के चुनाव में बड़ा नुकसान के इनका है। छिंदवाड़ा और श्योपुर के क्षेत्र में कांग्रेस का बड़ा नुकसान था। माना जा रहा है कि कांग्रेस का नुकसान पहुंचावे के तोहफा ये दो विधायक का कैबिनेट में ले आए बीजेपी दे सका थी। हालांकि रामनिवास रावत समेत कुछ कांग्रेस से आए विधायक इनके द्वारा इस्तीफा नहीं देगा। कहो न कहो ये डर रहे कि कहो कुछ और खेला ना हो जाए, विधायक की बिजाए और पार्टी से बाहर हो जाए। वजह यह है कि कैबिनेट में शामिल होने के बाद रामनिवास रावत विधायक से इस्तीफा दे। इससे पहले वहाँ उपचुनाव हुई जबकि अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दिन गया। शाह बीजेपी में शामिल हो गए रहे। एक साथ साथ बीजेपी के सीनियर लीडर जो लगातार खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, उन्हों के नंबर कैबिनेट विस्तार में लग सकत है। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 2 विधायकन का मंत्रिमंडल में जगह मिल सके, जबकि कई एक बेर देखा गया है कि सीनियर विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो कले की आस लगाए बैठे हैं। देखे वाली बात यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने नेता का मौका देती या फिर बागी के बोलवाला देखे का मिला थे। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार की बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।